बाय, अपना ध्यान रखना और अच्छे से जाना। मन हो गई है तैयार, ये जा रही है वापस, मोहित भी जा रहा है स्कूल, ये गाड़ी का वेट कर रहे हैं। बाय। गाड़ी पहुंच गई, ये भी पहुंच गए हैं रोड में। ये हमारी रोड की मेटाडोर है, रोज सुबह 8 बजे जाती है और शाम को 4 बजे वापस आती है। पिछली बार भी मनु इसी टाइम गई थी और आज भी इसी टाइम जा रही है। सुबह जल्दी जाएगी तो जल्दी पहुंच जाते हैं। मन्नत खा रही थी खाना, उसका खाना भी यहीं रह गया। ये चाय में रोटी डाली थी गाड़ी की, जल्दी से ये भी इधर ही रह गई, खा नहीं पाई। हमारे पहाड़ों में काफी ठंडा पानी हो गया, ये देखो हमने पहाड़ी गीजर में पानी गर्म करना भी शुरू कर दिया। आज देखो कितनी तेज धूप है, हल्के से बादल है लेकिन बारिश नहीं आती है, बस बहुत तेज धूप है, बाहर तो बैठा ही नहीं जाता। ये डाली हमने मक्खियाँ धूप में, इस साल में इतनी जैसी मक्खियाँ निकली हैं, ये हैं पीली वाली और इस साइड में ये है वाइट वाली, बस इस साल तो इतनी ही है। आज मनु भी चली गई वापस और घर ना पूरा खाली खाली लग रहा, अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं तो आज बस इधर ही सोई रही, मैं उठी नहीं और अंदर तो मैं गई नहीं, बस खाना खाने के लिए गई थी फिर आई। अंदर ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बच्चे जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब चले जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करना, लड़कियों को तो एक दिन अपने घर जाना ही होता है। लड़कियों की अब मुझे उतनी याद नहीं आती लेकिन उनके जो बच्चे हैं ना उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। अब तो वो बड़े बड़े हो गए, मन्नत अब काफी बड़ी हो गई है, बहुत समझदार भी हो गए, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करती है, तो उसको छुट्टी नहीं मिलती है, नहीं तो वो आ जाती लेकिन उसको ना छुट्टी नहीं मिलती है। पिछले साल दिसंबर में आई थी और इस बार मैंने उसको बोला कि मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही, तब भी आई थी 2-3 दिन के लिए और मुझे 2-3 दिन का पता ही नहीं चला कि कब खत्म हो गए। तो आज सच में बहुत बुरा लग रहा है, अंदर जाने का मन ही नहीं करता है लेकिन क्या करना, रहना तो है ही मुझे। मुझे अपने बच्चों पे बहुत गर्व है क्योंकि जो मनु के साथ हुआ अगर किसी और के साथ होता तो वो पता नहीं क्या करते, लेकिन मनु ने अब दुख का सामना करना सीख लिया, अपने बच्चे के साथ भी अच्छे से रह रही है, अपने बच्चे को भी पाल रही है, तो मुझे बहुत गर्व होता है और मैं दुआ करती हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, बस उसके लाइफ में कोई दुख नहीं आना चाहिए। बहुत दुख उसने बर्दाश्त कर लिया, अब उसके लाइफ में कोई दुख नहीं आना चाहिए। वैसे मेरे सभी बच्चे हिम्मत वाले हैं, मानवी के साथ जो हुआ है अगर वही उसको देखेगा ना तो बोलेंगे ये चलती कैसे है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब है, इतने सारे उसके ऑपरेशन हुए हैं लेकिन तब भी वो अच्छे से काम करती है। दिन भर कोर्ट में रहती है और कोर्ट में उसको इतना ज्यादा काम होता है, तो कोर्ट में भी काम करती है, घर का भी सारा काम कर लेती है और अच्छा भी लगता है। बस माँ बाप तो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से रहें, तो मुझे अच्छा भी लगता है जब वो काम करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और ये तो मेरे खुद के बच्चे हैं, मैं दूसरों के बच्चों के लिए भी दुआ करती हूँ कि बच्चों को ना कभी कोई दुख नहीं होना चाहिए, उनकी लाइफ अच्छे से रहनी चाहिए। बस सबसे बड़ी बात है कि कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बीमारी से आदमी टूट जाता है तो फिर बहुत मुश्किल आती है। बस इसलिए मैं हर किसी के लिए दुआ करती हूँ कि
बच्चे खुश रहने चाहिए, बस उनकी लाइफ में कोई दुख नहीं होना चाहिए। जहाँ भी रहे वो, जरूरी नहीं कि वो हमारे पास ही रहे। हमारे पास रहकर उन्हें क्या करना, हमें तो यही खेतों का काम करना है और तो हमारे पास है क्या। तो वो बाहर रहे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अच्छे से रहे। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ। और हर किसी को ना बच्चों के लिए दुआ करनी चाहिए, बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो या किसी के भी बच्चे हो। ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छे होने चाहिए तो दूसरों के नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, तो भगवान हमारे साथ खुद ही अच्छा करता है। तो इसलिए मैं खुद तो मैं ऐसी हूँ, लेकिन मैं सबको बोलती हूँ कि हर किसी के लिए ना अच्छा ही सोचना चाहिए, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। लोग तो बात बात पे भगवान को कोसते हैं कि उसने हमारी किस्मत अच्छी नहीं बनाई है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हम अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे हाथ पैर सही है, और छोटे मोटे दुख तो होते ही रहते हैं, ये तो लाइफ में होता ही रहता है, इतना तो करना पड़ता है। तो मैं कभी भगवान को नहीं बोलती हूँ, बस इतना ही बोलती हूँ कि जो भी मेरे पाप है, जो भी मेरे कर्म है, तो वो इसी जन्म में खत्म होने चाहिए, क्योंकि अगले जन्म के लिए कुछ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो भी मैंने गलत किया है, जो भी कुछ हुआ होगा मेरे से, तो मुझे इसी जन्म में उसकी सजा मिलनी चाहिए, अगली जन्म के लिए नहीं रहना चाहिए। तो मैं सबको यही बोलती हूँ, पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे से, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, गलती तो हो ही जाती है, लेकिन जो भी हमारे पाप है उनकी सजा ना हमें यहीं पे खत्म होनी चाहिए, अगले जन्म के लिए नहीं रहनी चाहिए। क्या पता अगले जन्म में कौन सा जन्म मिलने वाला है, वो तो भगवान को ही पता है। लेकिन जितना भी है हो सके तो अच्छा ही करना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, बस अच्छा ही सोचना चाहिए। अभी तो काफी टाइम हो गया है, मनु को गए 5 घंटे हो गए, तो मैं अब करती हूँ मनु को फोन, देखती हूँ कहाँ पे पहुंची वो, अभी पहुंची या नहीं। तो पहले मैं उसको कॉल करती हूँ, फिर बाद में आप सभी से बात करती हूँ, क्योंकि आपसे बात करने से मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाता है, नहीं तो मुझे बहुत दुख होता है। तो थोड़ा आपसे बात करती हूँ तो मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाता है। मैंने मनु से बात की, मनु तो पहुंच गई है। अभी तो हमारे पहाड़ों में बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, देखो मैंने कितने मोटे कपड़े लगाए हैं। आप में से जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट करना, और जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। तो आज ना मैं आपसे एक और बात बोलूंगी कि जो भी मेरी वीडियो देखता है तो प्लीज मुझे बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पहुँचती है, कौन कौन देखता है। तो प्लीज मुझे अपना नाम और अपने गांव का और अपने शहर का नाम भी बताना मुझे कि कहाँ से आप मेरी वीडियो देखते हो, मुझे भी अच्छा लगेगा। इतना तो मैं जानती हूँ क्योंकि मेरे गांव के तो कुछ ही लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, बाहर के ही हैं जो वीडियो देखते हैं, लेकिन तब भी मुझे ना कमेंट करके आज जरूर बताना कि कौन कौन मेरी वीडियो देखता है। आज मुझे पता चलना चाहिए कि कौन कौन मेरी वीडियो देखता है। मेरे गांव के जो लोग हैं उनका तो मुझे पता है, लेकिन तब भी मैं आज देखना चाहती हूँ कि कौन कौन मेरी वीडियो देखता है। आज की वीडियो में मैं किसी को बोलूंगी, डांटूंगी भी और गुस्सा भी करूंगी, क्योंकि वो पहले मुझे बोलता था कि मैं आपका बेटा हूँ, और उसने शादी कर ली और मुझे बोला भी नहीं। मैं उसका नाम नहीं बोलूंगी क्योंकि वो मेरी वीडियो देखता है तो उसको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ। आपने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया? क्या मैं आपका ज्यादा खाना खा लेती? खाना मैं घर से खा के आती, बस मुझे वीडियो बनानी थी तो मेरे व्लॉग भी बन जाता और मैं आपकी शादी भी देख लेती, लेकिन आपने मुझे बोला नहीं। मुझे तो शादी के बाद में पता चला, जब मैंने फोटो देखी तब मुझे पता चला कि आपकी शादी हो गई है। तो क्या बात है कि अपनी माँ को कोई ऐसे भूल जाता है क्या? आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो आज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने क्यों नहीं मुझे बोला। बहुत सारे भाई बहन और बच्चे मुझे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं बहुत सारी वीडियो में बोल भी चुकी हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा के एक छोटे से गांव से हूँ। मेरे गांव का नाम टैंसना है, जो भाला से 10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे है। आज तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि बच्चों के जाने से थोड़ा दुख होता है, तो बस मैंने ऐसी छोटी सी वीडियो बना ली। अभी हो गई है शाम, तो अब मैं जाती हूँ ऊपर, मुझे खाना भी बनाना है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।